वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जागरूकता रैली को लेकर आप लोग लगातार जागरूकता फैला रहे मतदान को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को मालूम तो है चुनाव करना है, लेकिन फिर भी वो छुट्टी का गलत उपयोग करते हैं, बहुत हल्के से लेते हैं। लेकिन चुनाव हल्के से लेने वाली चीज नहीं है, क्योंकि बाद में क्या होता है, सरकार बन जाती, अरे एक ऐसी सरकार बन गई है, ऐसे नहीं बनना, ये बोलने के तो तैयार होते हैं, लेकिन क्या होता है जब टाइम आता है तो चुनाव में वोट देने नहीं जाते। तो ये लोगों हम जो इकट्ठा हो रहे हैं वो इसलिए कि जैसे हम अपन छत्तीसगढ़ के त्यौहार मनाथन, वैसे हमारा लोकतंत्र के त्यौहार ला भी मनाए की जरूरत है, और सब लोग जागरूक होने की जरूरत है, और सब जन वोट दी तब तो बने सरकार बनी, तो अच्छा सरकार जो हमारे देश के हमारे विकास के लिए जरूरी है, ओला जागरूकता रैली से लेकर चुनाव पर मनाए की अत्यंत आवश्यकता है। पब्लिक मीटर क्या कहता है, कौन जीतेगा इस बार, क्या लगता है आपको? पब्लिक के तो मैं नहीं जानो, पर ऐसे सरकार बनना चाहिए जो हमारे छत्तीसगढ़ का विकास और हमारे देश के विकास और एक एक जनता के विकास करे, ऐसे सरकार बनाना चाहिए हमारे लोग। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की काफी चर्चा है, उन चर्चाओं को देखते हैं आप? हाँ, चर्चा लोग देखते हैं और अच्छा लगता है चर्चा, और मैं कोनो पार्टी पर नहीं बोल सकूं है ना, बट सरकार बार बार वही बोलता हूँ, सरकार ऐसे हो जो एक एक जनता के ख्याल रखे, साथ में हमारे छत्तीसगढ़ हमारे देश और हमारे देश के इंटरनेशनल पहचान बने, दबदबा बने, विकास हो, ऐसे ही सरकार हमारे बनाना है। विकास हो कहा, रायपुर से भी विकास और ब्रजभुवन है। नहीं नहीं नहीं, विकास मतलब किसी का नाम नहीं है, ये है प्रोग्रेस, इज़न्ट प्रोग्रेस की बात कर रहा, सॉरी आपने गलत वे में ले लिया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे मैम, रायपुर से ब्रजभुवन अग्रवाल विकास उपाध्याय हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, इधर आ जाइए।